नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की बड़ी खबर से। दरअसल सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ पर आक्रोश की आग थमती नजर नहीं आ रही है। आज बिहार बंद पर एक बार फिर कई शहरों में हिंसा भड़क उठी। सबसे ज्यादा हालात जो थे वो पटना से सटे मसौढ़ी में खराब हुए। अचानक ही उपद्रवियों ने तारेगना स्टेशन पर बंदूक लाठी डंडों के साथ हमला बोल दिया। स्टेशन पर बने दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया। जहानाबाद में तो प्रदर्शनकारियों ने बस को ही फूंक दिया। अग्निपथ योजना पर यूपी से लेकर राजस्थान और पंजाब तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मसौढ़ी में तो जबरदस्त तरीके से आग लगाई गई है, यहां पर भीषण उपद्रव हुआ है। तस्वीरें देखिए, किस बड़े पैमाने पर आगजनी की गई है। पुलिस प्रशासन यहां पर कमजोर लाचार नजर आया। स्टेशन को यहां जला दिया गया। बंदूक डंडों के साथ बवाल होता है। पुलिस ने हवाई फायरिंग की, उपद्रवियों पर शिकंजा हुआ। हालांकि आज तक की रिपोर्टर ने यहां पर बड़ी बहादुरी से रिपोर्टिंग की। इधर हमारे साथ रोहित जुड़ रहे हैं। रोहित, जरा बताइए कि क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि अलग अलग शहरों को जब हम देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अग्निपथ थम नहीं रहा। सरकार भले ही एक के बाद एक संशोधन करे, बदलाव करे, समझाने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा। क्या अपडेट है वहां से? शुभंकर, देखिए जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आज चौथे दिन भी हंगामा पूरा देखने को मिला है बिहार के कई इलाकों में, केंद्र सरकार भी इस पर नजर बनाए हुए है और लगातार एक के बाद एक बदलाव कर रही है, ऑफर भी दे रही है अग्निवीरों को, जो कि भविष्य के अग्निवीर जिन्हें कहा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। आज हमने देखा किस तरीके से पटना का जो मसौढ़ी और तारेगना इलाका है वो एक तरीके से केंद्र बिंदु बनकर सामने आया, कर जो है बवाल काटा गया। और उसकी शायद एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि जहानाबाद एक वो जिला है जहां पर जो पटना से सटा है, लेकिन आज वहां पर इंटरनेट सेवा बाधित नहीं की गई थी। क्योंकि आप देखिए बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई है दो दिनों के लिए। वहां पर जो है वो कंपेरेटिवली कम हिंसा जो है आज देखने को मिली थी, लेकिन मुंगेर एक ऐसा जिला है, जहानाबाद है, जहां पर आज भारी हिंसा देखने को मिली है। और मुंगेर में तो पीडीओ का जो दफ्तर है प्रखंड कार्यालय उसमें तहस नहस कर दिया गया, तोड़फोड़ उसमें मचाई गई है। मसौढ़ी और तारेगना की तस्वीरें मौसमी भी दिखा रही थी कि किस तरीके से वहां पर भारी उत्पात मचाया गया है। आरा में भी जो है काफी घंटों तक जो है सीपीआई माले के कार्यकर्ताओं ने सड़क को जाम करके रखा। किलोमीटर के किलोमीटर लंबी जाम जो है वो यहाँ पे लग गई थी। वैसे अब जो है वो सड़क को खाली करा लिया गया है प्रशासन के द्वारा। तो आज जहां जहां प्रशासन आज मौजूद नजर आ रहा था वहां पर हालात कुछ जो है बेहतर नजर आ रहे थे। पिछले दो तीन दिनों के जैसी हिंसा देखने को नहीं मिली, लेकिन जहानाबाद मुंगेर जो इलाके हैं वहां आज जमकर जो है उपद्रवियों ने उत्पात मचाया है। शुभांकर जी, आपका तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और ख्याल रखते हुए तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो आज तक के दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाते रहिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फिलहाल आरा से आगे बढ़ते हुए मसौढ़ी की तरफ। और आरा में भी हालात जो है कमोबेश उसी तरह से है जिस तरह से हमारे संवाददाता रोहित तमाम जानकारियां दे रहे थे। रोहित, आपका तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। चार तस्वीरें देखिए आप, तो ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्टेशन को जलाया गया है, बंदूक डंडों का बवाल हुआ है, हवाई फायरिंग और उपद्रवियों पर शिकंजा। इधर आपको बता दें कि आरजेडी के बिहार बंद के ऐलान पर बिहार में भारी सुरक्षा के दावे किए गए, लेकिन मसौढ़ी में उपद्रवियों के आगे मानो पुलिस के हाथ पांव फूल गए। भारी तादाद में डंडों और बंदूक लिए उपद्रवी स्टेशन में घुस आए, फिर प्रदर्शनकारियों ने पटरियों पर कोहराम मचाने के बाद दफ्तरों को फूंक डाला। देखते ही देखते यहां पर स्टेशन जो था वो धू धू कर जलने लगा और पुलिस प्रशासन। ये मसौढ़ी की तस्वीर है सुबह से 8 बजे जब पूरा हंगामा शुरू हुआ है। अब दिन के 2:15 बज रहे हैं और अभी भी तनाव की स्थिति आप देख रहे हैं तस्वीरों में वो बनी हुई है। कुछ इस तरह से पुलिस लोगों को हिरासत में लेके जा रही है। अभी सिटी SP थे वो भी यहीं पे साथ में थे। तमाम आला अधिकारियों को भी चोट आई है जिनको अस्पतालों में ले जाया गया है। घरों में घुस घुस कर पुलिस युवाओं को और कई लोगों को जिन पर शक है उनको हिरासत में ले रही है। GPS के जरिए, मोबाइल टावर के जरिए ट्रैकिंग हो रही है कि किस तरह से जहां जहां मोबाइल टावर्स एक्टिव थे वहां से पूरा ये निकाला जा रही है जानकारी कि कौन कौन लोग इस तरह से इस पूरे मामले में शामिल थे। और आप देखिए युवाओं की उम्र अगर आप देखें तो 16, 17, 18 साल के युवा हमने देखे, आगे एक युवा लेके जा रहे हैं जिनकी उम्र आप अंदाजा लगा लीजिए 14, 15 साल से ज्यादा नहीं होगी। 1, 2, 3, 4, 5 युवाओं को
कुछ इस तरह से हिरासत में पुलिस लेके जा रही है। इधर आप देखिए पुलिस के आला अधिकारियों की गाड़ियां आपको नजर आ जाएंगी। इधर कुछ यूं पेट्रोलिंग हो रही है, सारी दुकानें बंद है। भारत बंद का एक जबरदस्त असर यहाँ मसौड़ी में देखने को मिला है। हमने सुबह डीएम से भी थोड़ी देर पहले डीएम से भी बात की थी और किस तरह से डीएम और तमाम आला अधिकारियों के आने के बाद भी लगातार तनाव बना हुआ है, आमने सामने की स्थिति है। उसकी वजह यह है कि जो रेलवे की क्रॉसिंग है उसके उस तरफ तमाम बस्तियां हैं और इस तरफ रेलवे का स्टेशन है, जिसके चलते लगातार इस ग्राउंड जीरो पर एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जो काबू के बाहर है। तस्वीर देखिए, जिस तरह का बिहार बंद हुआ है और जो हिंसा हुई है उसका सबूत ग्राउंड जीरो पर तारेगना रेलवे स्टेशन का जो जीआरपी थाना है उसकी ये तस्वीर है। ये जिप्सी किस बुरी तरह से जली हुई है, पुलिस की ये गाड़ी है, लगभग 3 से 4 गाड़ियां यहाँ पे जला दी गई हैं। जमीन पे नजर दौड़ाइए, यहाँ पे पूरे पत्थर ही पत्थर आपको सब जगह नजर आ जाएंगे और सब गमले से लेके जो तोड़फोड़ हुई है उसका ये सबूत आपको जीआरपी थाने के बाहर यहाँ पे लगातार 4 घंटे तक आपने सामने की स्थिति बरकरार रही है। भैया खूब पथराव हुआ है, पत्थर इतना चला है, कम से कम 2000 आदमी से ऊपर था। इतने बड़े बड़े पत्थर उठा के पूरा जैसे लग रहा है रेलवे ट्रैक के सारे पत्थर यहाँ आ गए हो। जहां तक नजर दौड़ा लीजिए आप, ये पत्थरों की बरसात इस पूरी बिल्डिंग में हुई है। जीआरपी थाने के निशान देखिए, बिल्कुल बूंदी बूंदी पूरे निशान से ये बिल्डिंग पूरी पुत गई है एक तरीके से। किस तरह से पत्थरों की बरसात, शीशे सारे टूटे हुए। यहाँ फिर क्या हुआ, कितने बजे ये शुरू हुआ सारा? 8:30 के लगभग मूवमेंट शुरू हो गया। के बाद पुलिस के द्वारा लगातार कोशिश किया जा रहा था माहौल को शांत करने का, मगर उग्र बच्चे नहीं मान रहे थे। हवाई फायरिंग भी पुलिस के द्वारा की गई, लेकिन उसके तरफ से भी लगातार फायरिंग की जा रही थी। पत्थर लगा है हमको भी हाथ में। अब यहाँ पर हमारे हमारे वरीय पदाधिकारी थे, एएसपी मसौढ़ी और इंस्पेक्टर मसौढ़ी हमारे साथ में थे, लेकिन किसी का कोई बस नहीं चला, केवल हम लोग अपने से सुरक्षित बचाए हैं। ये अंदर भी घुस आए थे? अंदर नहीं घुस पाए थे, लेकिन बाहर से आग लगाने का कोशिश किया गया उनके द्वारा। जी तो यहाँ पे कितने लोग थे, आप लोग कितने कर्मी थे? यहाँ पर थाना के स्टाफ थे, एएसपी साहब थे, माहौल इस तरह का बना यहाँ बना 10-20 कितने लोग थे यहाँ पर? तो 20-25 की संख्या अंदर रहे आप लोग कितने घंटे तक? मतलब रह के जैसे माहौल उस तरह का क्रिएट होता था कि लगता था कि अब आग लगा देगा यहाँ पे। डंटा में लकड़ी में बांध करके कपड़ा मिट्टी तेल से जला करके और अंदर जलाने का कोशिश कर रहा था। उस मूवमेंट में हवाई फायरिंग करते हुए यहाँ से निकलना पड़ता था। हमारे पीछे आप देख रहे हैं, हम लोग तारेगना पहुंचे हैं जो कि पटना से लगभग 1 घंटे की दूरी पे है। और यहाँ पे देखिए किस तरह से इस रेलवे स्टेशन को आग लगाई गई है। वहाँ पे आपको युवा भी नजर आ जाएंगे और अभी एक मोटरसाइकिल सामने दूधों करके जल रही है, ऊंचे पीछे अंदर भी आग लगाई गई है और यहाँ पे युवा काफी सारे खड़े हुए हैं। जाहिर है लगातार आज जिस तरह से पटना में बंद किया गया है मीडिया, उस तरफ तिरगना रेलवे स्टेशन है जहाँ पे आग लगी थी जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। और लगातार जो है इस पूरे स्ट्रेच में ये पटना से बहुत दूर नहीं है, लगातार यहाँ सड़कों पर उपद्रवी है और उन्होंने हमसे कहा कि आप अपने मोबाइल फुटेज डिलीट कीजिए, कैमरामैन को भी उन्होंने मारा। आपको संजय चोट लगी, ये देखिए संजय को भी काफी बुरी तरह से यहाँ पे मारा और फुटेज लगातार उनसे डिलीट करवाने की कोशिश होती रही। यहाँ पे मीडिया कर्मियों को भी लगातार टारगेट बनाया जा रहा है। आज तक बिहार के चप्पे चप्पे पर मौजूद है और जो यहाँ परिस्थिति है इस अग्निपथ योजना को लेकर जो बिहार बंद और विरोध हो रहा है वो हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। यहाँ जो पूरी डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो ऑफिस था वो बुरी तरह से जल गया है और दमकल की गाड़ियां इसको बुझाने की कोशिश कर रही हैं। पूरी तरह से यहाँ पे जो कागज थे वो राख हो गए हैं और अभी भी यहाँ पे लगातार धुआं निकल रहा है। यही वो जगह है
जहाँ पे दमकल की गाड़ी लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, जब एक बार फिर से यहाँ तनाव पैदा हो गया और आमने सामने की स्थिति आ गई। यहाँ दमकल की गाड़ियां लगी हुई है, यहाँ पे ये मोटरसाइकिल दिख रही है, संजय दिखाएंगे आपको। ये मोटरसाइकिल हमने दिखाई थी जब वो जल रही थी, ये पूरी पाइप यहाँ पे पूरा बंडल था उसको जला दिया गया। एक मोटरसाइकिल यहाँ पे भी है, उधर भी जलाई गई है। संजय आगे आके दिखाइए, यहाँ पे एक दो और तीन मोटरसाइकिल जो कि खड़ी हुई थी उनको राख कर दिया गया। अभी भी यहाँ पे जो ये राख है वो गर्म है और ये इस बात का सबूत है कि बहुत टाइम नहीं हुआ है इसे जलाए हुए, ये जलाया गया है। और अंदर यहाँ पे हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से तोड़फोड़ हुई है, पूरी तरह से ये कमरे को तोड़ा गया है यहाँ पे भी। और यहाँ क्या क्या तोड़फोड़ किए हैं, सब जला दिया, यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको जला दिया गया है, पंखे तोड़े हैं, लाइट स्विच कबर्ड सब ध्वस्त कर दी गई हैं, ये भी बुरी तरह से टूटा हुआ है। भारत का मैप यहाँ नीचे गिरा हुआ है। यही तस्वीर है इस पूरी हिंसा की, जहां आप देखिए तो गांधी जी की प्रतिमा, सुभाष चंद्र बोस की ये तस्वीर जो बुरी तरह से क्षति उसको हुई है, और संविधान की धज्जियां उड़ाता हुआ ये आंदोलन कई सवाल खड़े करता है कि इस तरह की हिंसा कहां तक जायज है और क्या इस हिंसा का कोई मंजिल है या कोई था है। तो हमारी संवाददाता मौसमी सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे थे। मौसमी हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, लगातार सुबह से बिहार के अलग अलग इलाकों में वो रिपोर्टिंग कर रही हैं। मौसमी, सबसे पहले तो आज जो जाबाजी से रिपोर्टिंग आपने की है वो बहुत इंस्पिरेशनल थी। अपना ख्याल रखते हुए कैसे बहादुरी से सारी तस्वीरें दिखाई जाए वो हम सभी के लिए प्रेरणा है। लेकिन अब जरा आप ये बताइए कि आज क्या कुछ बिहार में आपने देखा, जो दर्शक अभी शाम को आपको सुन रहा है उसे जरा बताइए, दिखाइए कि क्या कुछ आपने देखा, क्या लाचारगी पुलिस प्रशासन की नजर आई, क्या तस्वीरें थी, क्या सभी बच्चे थे या उसमें कुछ सियासत का भी एंगल हो सकता है, जो कुछ आपने देखा समझा जाना एक बार जरा दर्शकों को बताइए। देखिए शुभांकर, शुक्रिया, पर आज तक की ड्यूटी है कि सबसे पहले और सबसे सटीक खबर हम अपने दर्शकों को पहुंचाएं, चाहे उसमें जितना भी खतरा हो, और हम अपनी सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे थे। इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये तेरागाना रेलवे स्टेशन है, यहां पे सुबह से हिंसा का तांडव नजर आया। हम रेलवे ट्रैक पे खड़े हैं, जाहिर है क्योंकि अभी तो रेल सेवा बिल्कुल रद्द कर दी गई है, तो कोई भी रेल यहाँ से पास नहीं होगी। पर पूरे दिन यहाँ पे तमाम उपद्रवी जो हैं वो नजर आए। मैं छात्र इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनमें तमाम युवा थे, पर जब आप हिंसा का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं तो आप उपद्रवी हो जाते हैं। जिस तरह से पुलिस प्रशासन के तमाम पुलिस कर्मियों को चोट आई है, जो हिंसा हुई है, सरकारी संपत्ति सबसे ज्यादा आज बिहार के इस इलाके में प्रभावित हुई, क्षति पहुंची उसको, रेलवे स्टेशन को तो जलाया गया, लगभग दर्जन भर गाड़ियों को जलाया गया जिसमें जिप्सी मोटरसाइकिल सब है। धीरे धीरे यहाँ पे लोगों की भीड़ है, कई परेशान यात्री हैं, कई स्थानीय निवासी हैं, जो आप देखने आ रहे हैं कि आखिर स्टेशन पे हुआ क्या। मेरे पीछे बाएं हाथ में जो आप देख रहे हैं ये पूरा एक ऐसा इलाका है जहाँ बार बार हजारों की संख्या में उपद्रवी यहाँ से आ रहे थे, और बार बार जैसे उनको भगाया जाता था तो यहाँ घरों में घुस जाते थे। अभी बताया जा रहा है पुलिस प्रशासन ने 600 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, और दो कोचिंग सेंटर की भूमिका भी जो है वो पूरे सवालों के घेरे में है, क्योंकि 350 लोगों की मीटिंग सुबह की गई थी यहीं इस इलाके में। व्हाट्सएप चैट से लेके सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरों को भी जो है तोड़ा गया है। तो बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से एकत्रित होके टाइमिंग हमने देखी और एक सिंक्रोनाइजेशन देखा, लोग
लोगों के हाथों में हथियार देखे, मुंह छुपाए हुए थे कई लोग इसमें से, और उनके साथ बच्चे देखे। जो सबसे दुखद बात है कि 13 साल 14 साल के बच्चे उस पूरी हिंसा का हिस्सा थे। तो ऐसे में इस पूरे आंदोलन को आप आंदोलन कहेंगे या एक हिंसक प्रदर्शन, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपिता को नहीं बख्शा जाता, उनकी तस्वीर को नहीं बख्शा जाता, भारत के नक्शे को नहीं बख्शा जाता, और कोई सरकारी संपत्ति इसीलिए सवाल खड़ा होता है, क्योंकि आपकी वो रिपोर्ट लगातार हम देख रहे थे जहां पर आपने भारत के नक्शे को उठाया, हमने देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगी थी, गांधी जी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया। अब आमतौर पर जिन सेना भर्तियों को हम जानते हैं, हम ये मानते हैं कि, और आपने देखा भी है कि वो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या देश के प्रति एक अपनी भावना रखते हैं, वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इस वजह से भी ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इसमें कहीं सियासत की भी एंगल है, क्या कोई असामाजिक तत्व भी इसमें शामिल हो गए थे जिन्होंने छात्रों की भावनाओं का फायदा उठाया और उसमें लगे हाथ, ये आगजनी, पत्थरबाजी या हिंसा की जो तस्वीरें आई उसमें उनकी संलिप्तता हो सकती है। देखिए एकदम शुभांकर, इस बात को बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता कि एक पंथ दो काज, कहीं ना कहीं सियासी रूप से जो अपना स्कोर केंद्र सरकार से सेटल करना चाहते हैं, हिसाब बराबर करना चाहते हैं, वो पार्टियां भी इसमें कूद गई है। आप देखिए कि विपक्षी दल राजद हो, वो उसने जो है पूरे बंद का, या लेफ्ट पार्टी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने यहाँ पे बंद का समर्थन किया है, पर जो चुप्पी साधी हुई है जदयू ने, जाम ने जो समर्थन कर दिया है इस योजना का, उसके बाद जो चुप्पी साधी हुई है, जो प्रशासन मुख दर्शक बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नेता लगातार उकसाने का और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक साजिश की भी बू आती है। खास तौर से अगर सिंक्रोनाइज तरीके से सोशल मीडिया में यह आंदोलन फैलाया जाता है तो जाहिर है पुलिस प्रशासन इस पूरे मसले की भी तफ्तीश कर रहा है। बहरहाल अभी यहाँ पे स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है, पर लगातार प्रशासन की नजर इस इलाके पर है जो कि पटना से बहुत दूर नहीं है। सवाल यही उठता है कि अगर सरकार को मालूम था, राज्य सरकार को मालूम था कि बंद है और इस तरह से आंदोलन होना है, तो आखिर तैयारी क्यों नहीं की गई? आखिर पटना प्रशासन, डीएम, एसएसपी 1.5-2 घंटे बाद क्यों पहुंचे यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल है और इन सवालों को लेकर लगातार आप जाबाजी से रिपोर्टिंग कर रही हैं, अपना और अपने कैमरा पर्सन का दोनों ख्याल रखिए, क्योंकि आप और कैमरा पर्सन दोनों बड़ी बहादुरी से आज तक के दर्शकों को तमाम रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, दरअसल देश के कई हिस्सों में जारी हिंसा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी विपक्ष पर हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने छात्रों से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की है। एक और देश के युवाओं से ये अनुरोध भी है, अपील भी है कि हिंसा का रास्ता अपनी बात रखने के लिए ठीक नहीं है। अग्निवीर युवाओं के हित में और देश को और सुरक्षित बनाने के लिए एक युवा आर्म्ड फोर्सेस बनाने के लिए उस दिशा में निर्णय लिया गया है और इसके सभी पहलुओं को जानने की आवश्यकता भी है। आपके जो भी कंसर्न है, जो भी विषय है, उसको सरकार गंभीरता से सुन भी रही है और मुझे लगता है आगजनी करने से, हिंसा फैलाने से, उपद्रव मचाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए अगर करना चाहते हैं तो ये भी उचित नहीं है कि बच्चों के हाथ में झंडा देकर कोई निकाल देता है, कोई छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर निकालता है, ये उचित नहीं है। ये देश के हित में निर्णय लिया गया है, युवाओं के हित में लिया गया है और जिस तरह से सरकार ने 2 साल की रिलैक्सेशन भी दी है वो भी दिखाता है कि आपकी बात को सुना गया। माननीय गृहमंत्री जी ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में भी आरक्षण देने की बात कही और उसमें भी एज को रिलैक्स करने का निर्णय लिया गया, ये भी युवाओं के हित में लिया गया। देश भर के कॉरपोरेट जगत ने अग्निवीर को अपने यहाँ पर रोजगार देने के लिए प्राथमिकता देने पर, मेरिट के आधार पर बात कही है। और यही नहीं, हमारा डिपार्टमेंट भी, जो युवा कार्यक्रम डिपार्टमेंट है, खेल डिपार्टमेंट है, वो भी इस बात पर विचार कर रहा है कि ये जब 4 वर्ष का काम अपना काम पूरा करके आएंगे और 4 वर्षों के बाद इनमें से ट्रेनिंग देकर जो लोग फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कुछ महीने का ऐसा कोर्स किया जा सकता है क्रैश कोर्स करके, जिससे इनको भी लाभ मिल सके। और ऐसे देश भर में लगभग 15 लाख फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स अलग अलग राज्यों में, ऐसी पोस्टें खाली पड़ी हैं, तो इसका लाभ भी भविष्य में मिल सकता है। उस दिशा में भी हम विचार करें कि इसमें क्या क्या संभव हो सकता है। सर, आपकी सवाल शुक्रवार।
तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। वहीं इस पूरे विवाद को लेकर वीके सिंह ने भी बातचीत की आज तक से। उन्होंने बातचीत में क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। पानीपत स्कीम के क्या फायदे हैं, अगर आप इस पे विस्तार में हमें थोड़ी सी जानकारी दें। पहले तो वायुसेना और सशस्त्र सेना बलों के लिए ये फायदेमंद होगा कि एज प्रोफाइल जो है सैनिकों की, ये घटेगी। आज एवरेज एज प्रोफाइल सर्विसेज में 30 साल की उम्र है, ये घट के धीरे धीरे 25 से 26 साल तक आएगी। ये सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा है, जो अग्निवीर भर्ती होकर आएंगे उन लोगों को एक तो देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा, वर्दी पहनने का अवसर मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, और इस एक्सपीरियंस को लेते हुए जब बाहर एनवायरनमेंट में वापस जाएंगे, दे विल बी बेटर डिसिप्लिन, बेटर मोटिवेटेड एंड विथ ऑल द इथॉस, जो सर्विस के इथॉस हैं उनमें पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सारे उनमें इम्बाइब हो जाएंगे। सर, जिस तरह का विरोध हो रहा है, किसी ने शायद सोचा नहीं था कि एक मिलिट्री रिफॉर्म सिविल अनरेस्ट एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बन सकता है। क्या रक्षा मंत्रालय ने या आर्म फोर्सेज में या खास करके एयरफोर्स में, आप एयरफोर्स के लिए बात कर सकते हैं, इसकी कोई भी तैयारी की गई थी कि अगर इस तरह का बैकलैश होगा तो क्या इसको कैसे डील करेंगे? नहीं, पहले तो हम इसकी निंदा करते हैं, इस तरह की हिंसा हमारे देश में, इसके लिए कोई स्थान नहीं है। अगर किसी युवा को किसी भी चीज़ के बारे में अगर पूरी जानकारी ना हो तो बहुत सारे तरीके हैं वो जानकारी प्राप्त करने के लिए। हिंसा के माध्यम से ये कोई हल नहीं हो सकता ये। और खास करके जो ये नौजवान हैं सर, अगर सेना में आना चाहते हैं तो डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा पहलू होता है। अगर जो लोग ये पकड़े गए इस तरह के उपद्रव करते हुए, तो शायद दरवाजे बंद होंगे इनके सेना में आने के लिए। तो अगर आप एक मैसेज देना चाहें हमारे माध्यम से ऐसे यूथ को, तो आप बताएं सर। जो भी सेना में भर्ती होना चाहता है, जब पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जामिनेशन, मेडिकल सब खत्म हो जाता है, उसमें अंतिम स्टेप होता है पुलिस वेरिफिकेशन। तो अगर कोई युवा इस तरह की हिंसा में भाग लेता है तो शायद ही उसको पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मतलब एक तरह से रास्ते बंद हैं अगर उस पुलिस वेरिफिकेशन में नेगेटिव रिपोर्ट आ जाए। नेगेटिव, बिल्कुल। सर, एक जो बड़ा सवाल और है कि किस तरह से रिफॉर्म आएगा। 4 साल जो लोग काम करेंगे फिर उनको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जो लोग रह जाएंगे, ये कहा जा रहा है कि एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम इन प्लेस होगा, तो किस तरह का रिफॉर्म देख रहे हैं सर? पहले तो हमारी ट्रेनिंग स्कीम में पूरी तरह से बदलाव लाया जाएगा। ट्रेनिंग अब इस समय हमारी होती है, जो टेक्निकल ट्रेड्समैन है उनके लिए 2 से 2.5 साल तक ट्रेनिंग होती है, और ये लगातार होती है। जब से ज्वाइन करते हैं 2.5 साल की इनकी ट्रेनिंग चलती रहती है। अब इस स्कीम के दौरान क्या होगा कि पहले 4 या 5 महीने की उनकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी और बेसिक तकनीकी ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद ये फील्ड यूनिट्स में सर्विस देंगे। जिम्मेवारी उन लोगों को लेनी चाहिए या उन लोगों के ऊपर लगनी चाहिए जो हमारे युवाओं को बहका रहे हैं, जो हमारे युवाओं को गलत करने के लिए कह रहे हैं, जो अलग अलग तरह की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके मालिकों को पैसा देकर युवाओं को कह रहे हैं कि जाओ जलाओ और एक तरह से उपद्रव करो, इसके लिए वो लोग जिम्मेवार हैं। सरकार ने योजना के फायदे बता दिए, और मैं आज आपको कह रहा हूं बहुत स्पष्ट शब्दों में, आपको फायदे पसंद आए ठीक है, नहीं पसंद आए आपको किसी ने बोला है कि ज्वाइन करो, मुझे इस चीज का जवाब दे दीजिए आप। और मैं जितने भी युवा देख रहे हूं उनसे पूछना चाहता हूं, किसी ने कहा है कि आप अग्निवीर स्कीम को ज्वाइन करो? सेना में हम स्वेच्छा से आते हैं, हम स्वेच्छा से अपनी जान देने की कसम खाते हैं। हम ये नहीं कहते कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पेंशन चाहिए, मुझे फलां चीज चाहिए, मुझे फलां चीज चाहिए। अगर आपके अंदर जज्बा है तो आइए, नहीं तो अपने घर बैठो, क्या जरूरत है? ये कोई दुकान थोड़ी है कि मैं क्या कहते दुकान के अंदर काम पे लग गया हूं।